खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। इंदौर के जिला कलेक्टर चौराहे पर अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर रविवार को धरना प्रदर्शन किया गया और राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बैकलॉग पद और पदोन्नति के नियम को लागू कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए। मांगे नहीं माने जाने पर आने वाले दिनों में अनुसूचित जाति जनजाति व ओबीसी वर्ग के समुदाय द्वारा भोपाल में बड़ा आंदोलन करने की बात कही। दरअसल मध्य प्रदेश द्वारा अजाक्स द्वारा बैकलॉग पदों की भर्ती एवं पदोन्नति नियम लागू करने के लिए धरना प्रदर्शन मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के शासन द्वारा पर्दो नियम लागू न करते हुए नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिसके तहत मध्य प्रदेश की 41% अनुसूचित जाति और जनजाति प्रभावित हो रही है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय में रोष व्याप्त हो रहा है। बड़ी संख्या में इस वर्ग के युवा बेरोजगार हैं। जब तक मध्य प्रदेश सरकार बैकलॉग पदों को नहीं भर्ती करेगी, साथ ही पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं करेगी, तब तक युवाओं को रोजगार भी नहीं मिल सकता है। कातिल शासकीय सेवक को पदोन्नति भी नहीं मिल पाएगी। हमारी मांग यही है कि शासन रोस्टर आधारित प्रणाली लागू करे। यदि सरकार द्वारा रोस्टर आधारित नियम और पदों की भर्ती नहीं करती है तो मार्च में एसएससी, एसटी और ओबीसी के जन समुदाय भोपाल में बड़ा आंदोलन करेगी। भारतीय संविधान में जो अधिकार जाति जनजाति ओबीसी को दिए हुए हैं, वह सरकार उन अधिकारों को धीरे धीरे लोगों से छीन रही है। उन अधिकारों को बचाने के लिए आज धरना प्रदर्शन किया गया। विकलांग पदों को भरने और पदोन्नति में आरक्षण के लिए किया गया। वहीं मांगे नहीं माने जाने पर चुनाव के बहिष्कार की बात भी भीम आर्मी जिला अध्यक्ष ने कही। आगे की रणनीति अजाक्स अगुवाई कर रही है। जो भी निर्णय लिया जाएगा उस पर चर्चा कर काम किया जाएगा। मध्य प्रदेश अजाक्स द्वारा बेकलाक पदों की भर्ती एवं पदोन्नति नियम लागू करने के लिए धरना मध्य प्रदेश के समस्त जिलों में आयोजित की जा रही है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पदोन्नति नियम को लागू न करते हुए एक नया नियम लाया जा रहा है, जिसके तहत मध्य प्रदेश की 41% अनुसूचित जाति और जनजाति आबादी प्रभावित होने वाली है। इसको लेकर के मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय में अत्यंत रोष व्याप्त है, क्योंकि बड़ी संख्या में हमारे वर्ग के युवा बेरोजगार हैं। उसके बाद में बेरोजगारी की स्तर को देखते हुए रोजगार के लिए सारे युवा परेशान हो रहे हैं। जब तक मध्य प्रदेश शासन इन बेकलाक पदों को नहीं भरेगी, पदोन्नति में रोस्टर वाइज आरक्षण लागू नहीं करेगी, तब तक उन रोजगार युवाओं को रोजगार भी नहीं मिल सकता और जो शासकीय सेवक है उनको पदोन्नति भी नहीं मिल सकती। हमारी मांग यही है कि शासन रोस्टर आधारित पदोन्नति नियम लागू करे। यदि सरकार द्वारा रोस्टर आधारित पदोन्नति नियम को लागू न करते हुए बेकलाक पदों की भर्ती नहीं की जाती है तो मार्च में बड़ी संख्या में एसटी और एससी और ओबीसी के जन समुदाय भोपाल में आंदोलन करेंगे। आज आपके द्वारा कहां पर किस तरह का प्रदर्शन किया? हमारे द्वारा जिला कलेक्टर कार्यालय इंदौर में जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं करण भगत, जिला अध्यक्ष अजाक्स, जिला इंदौर। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भारतीय संविधान में जो अधिकार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को दिए हुए हैं, वो सरकार जो है वर्तमान में भाजपा की मध्य प्रदेश में जो सरकार है, वो उन अधिकारों को धीरे धीरे करके षड्यंत्र करके छीन रही है। उन अधिकारों को बचाने के लिए ये धरना प्रदर्शन है बैकलॉग भर्तियों के लिए, प्रमोशन में आरक्षण के लिए और भारत के संविधान में जो अधिकार एसटी एससी ओबीसी को दिए उन सबके लिए। आने वाले समय में चुनाव में किस तरह की भूमिका रहेगी? चुनाव का अभी तो समय नहीं है, लेकिन अभी संघर्ष का समय है। हम लोग संघर्ष में, हमारे अध्यक्ष के द्वारा बुलाया गया कॉल पर हम लोग भीम आर्मी समर्थन करने यहाँ पहुँची है। चुनाव के समय चुनाव की बात करेंगे, लेकिन अभी बाबा साहब अम्बेडकर के दिव्य संविधान को अधिकार को बचाने की बात है, तो उसके लिए हम लोग खड़े हैं। धन्यवाद। वोटिंग की बात करेंगे, अगर आपके मांगे नहीं गई तो चुनाव पर मैं तो इस मध्य प्रदेश की जनता से यही निवेदन करता हूँ कि इस बहुजन समाज को जो माननीय साहब कांसीराम साहब ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया, बहुजन समाज एक नाम दिया, उस बहुजन समाज की जनसंख्या यहाँ पर 90% है, लेकिन मुश्किल ये है कि वहाँ पर ब्राह्मणवादी मानसिकता काम कर रही है, वहाँ मनुवादी मानसिकता काम कर रही है, तो उनको उतार करके इस बहुजन समाज को नेतृत्व में देना पड़ेगा,
तभी जाकर के इस देश के संविधान को बचाया जा सकता है। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति अभी हमारा अगुवाई कर रही है अजाक्स, तो अजाक्स जिस प्रकार से निर्णय लेगी इसके बारे में आगे की क्या प्लानिंग है उस पर चर्चा करके जो भी निर्णय होगा उस पर काम करेंगे। अपना नाम? मेरा नाम विनोद यादव अम्बेडकर है, भीम आर्मी इंदौर जिला अध्यक्ष।